नमस्कार, कुकिंग एंड लाइफस्टाइल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी दूध का एक बहुत ही स्वादिष्ट पकवान। तो आइए देखते हैं इसको बनाने का तरीका। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 200 ml दूध लिया है ग्लास में। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नस्टार्च डाल दूंगी और मिक्स कर लूंगी अच्छे से दूध के साथ, और इसको मिक्स करके मैं साइड में रख दूंगी। अब मैंने इस कंटेनर में दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है। मैंने करीबन 1/2 लीटर दूध लिया है। अब मैं इसमें चीनी डाल दूंगी। दोस्तों, आप चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लूंगी और दूध को मैं बॉईल होने दूंगी, और साथ में मैं ये दालचीनी का टुकड़ा डाल दूंगी करीबन 2 इंच। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि दूध उबलने लग गया है, अब मैं इसमें ये कॉर्नस्टार्च का घोल डाल दूंगी और इसको मैं हल्के हल्के मिक्स करती रहूंगी जब तक कि दूध की कंसिस्टेंसी थिक हो जाए। ये देखिए, कॉर्नस्टार्च का घोल डाल के दूध की कंसिस्टेंसी थिक हो गई है। मुझे इस कंसिस्टेंसी को और ज़्यादा थिक करना है, तो मैं इसको और थोड़ी देर के लिए बॉईल करती रहूँगी और बीच बीच में ऐसे ही इसको मिक्स करती रहूँगी। दोस्तों, दूध की कंसिस्टेंसी एकदम थिक हो चुकी है। ये देखिए, जैसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए इस रेसिपी को बनाने के लिए, बिल्कुल वैसी कंसिस्टेंसी हो गई है दूध की। अब मैं इस दूध को एक ग्लास ट्रे में ले लूँगी। ये मैंने दूध को ग्लास की ट्रे में भर दिया है। अब मैं इसको 6 घंटे फ्रिज में रख दूंगी। दोस्तों, 6 घंटे हो चुके हैं, मैंने इसको फ्रीजर से निकाल दिया है ट्रे को। अब मैं छोटे छोटे पोर्शंस में इसको कट कर दूंगी ऐसे। ये देखिए, मैंने छोटे छोटे पोर्शंस में काट लिया है इसको। अब मैंने ये एक अंडा फेटा है और ये मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। मैं सबसे पहले इसको ये अंडे में डिप कर दूंगी हल्के से, और उसके बाद मैं ब्रेड क्रम्स में इसको रोल कर दूंगी ऐसे। अब मैं इसको गरम तेल में फ्राई कर लूंगी और आँच बिल्कुल ही लो रखना है, और इसी तरह मैं बाकी के पोर्शंस भी फ्राई कर लूँगी। मैं इनको एक तरफ से करीबन 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने फ्लेम बिल्कुल ही इसका लो रखा है। दोस्तों, 2 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी पका लूँगी। दोस्तों, ये देखिए, ये दूसरी तरफ से भी फ्राई होके बिल्कुल तैयार है और मेरी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको एक सर्विंग प्लेट में ले लूँगी। इस रेसिपी को बनाते वक्त इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि आप इसको कम से कम 5 से 6 घंटा फ्रीज़र में ज़रूर रखें ताकि ये बहुत अच्छे से फ्राई हो सके। दोस्तों, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए एंड आई एम श्योर ये रेसिपी आपको और आपके बच्चों को ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।